और आपको सीधे लिए चलते हैं सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उरी में जो बरामदगी हुई है और तीन आतंकवादियों का एनकाउंटर। अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज पीस एंड सिक्योरिटी हियर विल डेफिनेटली नॉट बी सस्टेन और एक्सेप्टेड। वी आर टोटली कमिटेड टू एंश्योर द पीसफुल एनवायरमेंट विच इज प्रिवेलिंग टूडे बाई टेकिंग आउट द टेररिस्ट ऑफ विच एवर यूज आइदर थ्रू न्यूट्रलाइजिंग और इंश्योरिंग दैट ही कम्स बैक इन टू द मेन स्ट्रीम इन फॉर्म ऑफ सरेंडर और एक्सेप्टेंस ऑफ हिज फॉल्ट एंड देयर आफ्टर ही इज टेकन आउट ऑफ द सर्कुलेशन फ्रॉम द टेररिस्ट रैंक्स। देयर हैव बीन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन फाउंड ऑन देयर on the person, which definitely reveal that they are at least one of them is a Pakistani. We are not very sure about the balance too. That verification will be done and thereafter we will inform you of the nationality and also in terms of which group they belong to. Okay, for us nothing has changed. Our counter infiltration grid was strong since the start of summers, will continue to remain same. We are alert, we are deployed with adequate forces on the fence, on the LC, and we'll ensure that all bids are eliminated. Okay, I will again repeat my answer. In terms of behavior, we had appreciated the possibility of this change in behavior somewhere starting in September, October, which is actually manifested on the ground. So I will not like to link it with any other geopolitical situation. PTI. PTI. Yeah, yeah, PTI. Please. देखिए इंटरनेट को हम लोग क्यों सडन करते हैं, इसका मकसद ये होता है आजकल टेररिस्ट उनका जो हैंडलर पाकिस्तान में उसे कांटेक्ट नहीं कर सके और जो रिसीविंग ओजीडब्ल्यू है साउथ कश्मीर में हो या नॉर्थ कश्मीर में उसे कांटेक्ट नहीं कर सके, इसके लिए इंटरनेट सडन करना पड़ा हम लोग को, इसलिए हम डिगेट फील करते हैं, लेकिन करना यह प्रोफेशनली बहुत जरूरत था सिक्योरिटी हिसाब से। एज रिगार्ड द ऑपरेशन ऑन 18th नाइट देयर वॉज अ अटेम्प्ट टू इन्फिल्ट्रेट, एज पर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन देयर वर सिक्स टेररिस्ट, फोर वेर ऑन द देयर साइड ऑफ एलसी, टू हैड वेर एबल टू कम अक्रॉस द फेंस एंड दैट इज द टाइम आर पार्टी हैड रीच्ड। देयर वाज अ वेरी ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर, the terrain is quite rugged, very high grasses, grass cover is there and very very dense jungle. So in that brief firefight it is presumed that the balance two went back across the LC. Yet to ensure and verify that nobody is on this side of the LC, there was a intense jungle search which was carried out over a period of 3 days. As of now our operation has ceased, there is not there is no operation which is ongoing, it has been verified. तो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के उरी में एनकाउंटर, तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया सेना के द्वारा, जिसमें से एक जो है वो पाकिस्तानी है, दो की आइडेंटिटी अभी नहीं पता चली है, जैसे ही पता चलेगी सेना इत्तला देगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।